देख रहे हैं दोस्तों, आज ये मैंने सर्दियों के शुरुआत में सर्दियों का ही स्वागत करने के लिए मैंने ये बनाया है अपना बहुत ही शानदार मिक्स वेजिटेबल सूप, वो भी क्लियर एंड अनपास्ट, और वो भी सारे लेफ्ट ओवर इन्ग्रीडियंट से। कैसे? आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ मैं सर्व करूँगा अपने ये बटर, चिली एंड गार्लिक वाले अपने टोस्ट, और गार्निश में दूंगा ये थोड़े से नूडल्स, ये भी लेफ्ट ओवर हैं, कल बनाए थे, पर सूप के साथ में अच्छे से जल हो जाएंगे। तो आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज झटपट इस सारे सूप की रेसिपी, और साथ ही में ये मेरे टोस्ट विद गार्लिक, चिली फ्लेक्स एंड बटर। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, आज देसी शेफ लिटिल किचन में इस सर्दियों के स्वागत के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ ये अपना मिक्स वेजिटेबल सूप, वो भी लेफ्ट ओवर से। दोस्तों, कल मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, जिसके अंदर में ब्रोकली, मशरूम, कैरेट, कैप्सिकम, ऑनियन, कॉर्न, स्टेम, ये सारी चीज़ें थी, जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं। इनके साथ में मिला के मैंने अपनी एक मिक्स वेजिटेबल इन रेड सॉस बनाई थी, थोड़ी सी बच गई। तो आज मैं इसी से इनका इस लेफ्ट ओवर से झटपट सूप बनाने जा रहा हूँ, बस थोड़े से और इम्प्रोवाइजेशन और एडिशन के साथ में। और इसके अंदर में से जो सॉस थी उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, और ये देखिए, ये अब मेरा सूप के लिए ये स्टॉक एकदम तैयार हो गया, और सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया। और अब इसके अंदर में इसको मैं आज टमाटो बेस ही बनाने जा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं, 2 से 3 टमाटर मैंने लिए हैं, इनको मैं ऐसे रैंडम सा काट के इनको भी मैं झटपट ही इनकी मैं मिक्सी में प्योरी कर लूँगा। बहुत ज़्यादा फाइन प्योरी नहीं करूँगा, बहुत थोड़ी सी कोरस सी, देखिए। और ये गए मेरी सारे के सारे टमाटर ग्राइंड होने के लिए, ये देखिए। तो लीजिए, ये मेरी झटपटी टमाटर की प्यूरी, जिसको मैंने बहुत फाइन नहीं किया, ये भी मेरी तैयार हो गई। और ये मेरी सब्जियां तो ऑलरेडी ब्लांच और बॉयल हैं ही, तो इसको तो मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वेजिटेबल स्टॉक विद दिस टमाटो प्यूरी। तो लीजिए, अब गैस के ऊपर में ये जो मैंने अपनी सॉस जो है इसको जब स्टेन किया था तो इसको थोड़ा डाइल्यूट कर लिया था, तो ये मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास वेजिटेबल स्टॉक एकदम तैयार है। और इसमें मैंने कॉर्न्स भी डाले हुए थे, तो कॉर्न्स को तो मैंने एज इट इज डाले दिया इसके अंदर में। तो बस इसको हम झटपटी एक बॉयल देते हैं। और देखिए दोस्तों, ये मेरी प्यूरी, और देखिए दोस्तों, ये जो मेरा स्टॉक है ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया, और अब इसके अंदर में मैं डालूँगा ये अपनी टमाटो प्यूरी एट दिस स्टेज। और बस इनको अब आपस में मिला दूंगा, देखिए कितना ही शानदार कलर आ रहा है ना इसका। और जस्ट वन बॉयल एंड द सूप स्टॉक इज रेडी। और दोस्तों, इसके अंदर में कोई भी हमारे को बामनी, रू या मैदा या अरारोट या कॉर्नफ्लोर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही रिच और दूसरा क्लियर सूप रहेगा, और ये अनपास्ट रहेगा। अनपास्ट माने जिसको हमें छानना नहीं है। और इसके अंदर में जैसे ही ये बॉयल होता है मैं इसमें थोड़ी सी सीजनिंग एडजस्ट करूँगा, और बस इट इज़ रेडी, गुड टू गो। तो बस जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम इसके लिए बना लेते हैं अपना गार्लिक, चिली फ्लेक, हर्ब वाला बटर टू सर्व सम ब्रेड्स अलोंग विद द सूप। दोस्तों, आज इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने लिए हैं अपने ये सिंपल बर्गर बन, और इसके साथ में बनाने जा रहा हूँ ये मैं अपना बटर विद गार्लिक एंड चिली फ्लेक्स। ये गए मेरे थोड़े से चिली फ्लेक्स, मेरे को बहुत स्वाद लगते हैं, और वैसे भी मैं स्पाइसी खाना और मेरी फैमिली भी स्पाइसी खाना पसंद करती है। आप इसके हिसाब अपने परिवार के टेस्ट के हिसाब से भी अपना मिर्ची का लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मैंने बनाया है गार्लिक पाउडर, और वो भी किससे,
जो मेरे गार्लिक के पील्स होते हैं उनको मैं अच्छे से सुखा के साफ़ करके उसको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, और उसके बाद में इसको एज ए गार्लिक पाउडर यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए है ना आम के आम, गुठलियों के दाम बाज़ार से खरीदने जाइए तो बस लहसुन ही लग जाते हैं। और अब इसको मैं 30 सेकेंड माइक्रो मार लूँगा, और ये मेरा गार्लिक विथ चिली फ्लेक्स, मेरा ये बटर तैयार हो गया। और दोस्तों मैंने इसके अंदर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाला है ताकि दोनों को मिला के लगा सकूँ। डायरेक्ट बटर डालूँगा तो बटर जल सकता है। और आप इनको मैं सबको इसके ऊपर में अप्लाई कर दूँगा। मीन टाइम चेक कर लेते हैं हमारा स्टॉक कहाँ तक पहुँचा। तो लीजिए दोस्तों ये मेरा स्टॉक एकदम तैयार, और अब इसकी सीजनिंग चेक करते हुए और इसी के अंदर में डाल दूँगा अब ये सारी की सारी अपनी ये वेजिटेबल्स। ये देखिए, और बस अब एक बार इन सबको आपस में एक दूसरे का अता पता पूछने देते हैं, और जस्ट वन बॉयल एंड एडजस्ट द सीजनिंग अकॉर्डिंग टू द फैमिली टेस्ट, और उसके हिसाब से ये मेरा मिक्स वेजिटेबल सूप वो भी लेफ्ट ओवर सारी चीज़ों से एकदम सर्व होने के लिए तैयार हो। जब ये दोबारा से सेट हो रहा है तब तक हम अपने फटाफट जो ये मैं आज इनके साथ में ब्रेड सर्व करने जा रहा हूँ उसको हम बटर के साथ में अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए कितना ही शानदार बनाना, और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। और इसको मैं अब ग्रिल के अंदर में अपने पैन के अंदर में इसको मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट पे रख दूंगा, इसको सब पे ये देखिए भरपूर लगाते हुए सब पे। ये देखिए क्या फ्लेवर आने वाला है ना गार्लिक का और चिली का। ये देखिए, और जब ये अच्छे से पक जाएंगे क्रिस्प हो जाएंगे सूप के साथ में कितने लाजवाब लगेंगे। तो लीजिए ये मेरे बन के चिली और गार्लिक वाले बटर टोस्ट भी टोस्ट होने के लिए तैयार। तब तक सूप तैयार हो रहा है तब तक इनको भी मैं साइड पे लगा देता हूँ। लीजिए ये पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और अब इसको बिल्कुल ही लो फायर पे मैं इन सारे बर्गर के टोस्ट को जिनके ऊपर मैंने अपने ही अप्लाई किया है ऑयल ये सब मैं इसमें सेट कर दूँगा, और कवर करके इनको मैं क्रिस्प होने दूँगा। तो जैसे ये क्रिस्प होते हैं और सूप तैयार होता है मैं आपसे मिलता हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया। लीजिए सूप तैयार, टोस्ट तैयार, और खाने वाले भी तैयार। रात के टाइम में डिनर के साथ में आप इतना लाइट और हेल्दी और वेजिटेबल से भरपूर ये सूप विद अपना ब्रेड जिसको मैंने गार्लिक और बटर के साथ में टोस्ट कर दिया, तो लाइट तो रहेगा ही रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, और डाइजेशन के लिए भी बहुत इजी रहेगा। ये देखिए, तो बस अब इसको झटपट सर्व करते हैं। ये देखिए बस मिलाइए और सर्व करते शुरू हो जाइए। ये देखिए, ये देखिए शानदार सब्जियों से भरपूर और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, कलरफुल एंड इजी टू डाइजेस्ट टू वेलकम विंटर्स। आशा करता हूँ आपको मेरी आज की ये हेल्दी लेफ्ट ओवर सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। और ज़रूरी नहीं कि आप लेफ्ट ओवर से बनाएं, आप इसी तरीके से स्टॉक बनाते हुए भी अपनी बाकी सूप आप बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। बस जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माय वीडियोस नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही बनाते रहिए, खाते रहिए, पैसे भी बचाते रहिए और पचाते भी रहिए, और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।